अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही डिलीशियस एंड सॉफ्ट एंड जूसी चिकन विंग्स। चलें जी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्पाइसी सा मसाला इसके लिए बनाना है, जिसके लिए ये है मेरे पास खड़े मसाले। इन सबको हमने पीस लेना है। और 1 kg मेरे पास हैं चिकन विंग्स, इनको अच्छे से हमने वॉश कर लेना है नमक और पानी मिक्स करके, या पानी में सिरका मिक्स करके। साथ हमें बस स्पाइसेस, जो स्पाइसी सा मसाला तैयार किया था, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और अदरक और लहसुन का पाउडर, साथ में चिली सॉस यूज़ करूँगी। अब इसमें सारे मसाले जो हमने तैयार किए थे वो ऐड करेंगे। विंग्स को सॉफ्ट एंड जूसी बनाने के लिए इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो इससे बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट एंड जूसी से हमारे जो विंग्स हैं वो तैयार होंगे, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस, और साथ मैंने विनीगर ऐड किया है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे एक अंडा, जो विंग्स को बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और सॉफ्ट भी करेगा। तो अब मैंने यहाँ पर डाल दी है, चिली सॉस कम लग रही थी तो और डाली है थोड़ी सी। तो साथ अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो मैरिनेट आप उतने टाइम के लिए कर सकते हैं जितना टाइम आपके पास हो, लेकिन जितना मैरिनेट होगा उतना ज़्यादा इनमें अच्छा टेस्ट आएगा। तो सारा मसाला मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें डालेंगे हम मैदा, 3 से 4 चम्मच अच्छे से छान लेना है पहले, फिर हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। तो मैदा ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे, और अब इसे हम रखेंगे नहीं, मैदा एंड पर डालेंगे जब हमने फ्राई करना होगा। और मैदा डालने के बाद फिर हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है, फ़ौरन से रखेंगे नहीं। अब ऑयल गरम करके तो इसमें हम चिकन विंग्स जो हैं वो सारे ऐड करेंगे। ऑयल स्टार्ट में गरम होना चाहिए फुल, फिर आपने मीडियम कर देनी है आँच, ताकि सॉफ्ट भी हो जाए, गल भी जाए अच्छे तरीके से। और लास्ट पर फिर टेस्ट कर देना है, ताकि सॉफ्ट और सॉफ्ट भी रहे और क्रिस्पी से भी हो जाएंगी। ये देखें जी मज़ेदार से चिकन विंग्स हमारे फ्राई हो गए हैं, और बहुत ही प्यारा सा टेस्ट कलर आ गया, और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार हुए थे। तो इसी तरीके से हम सारे चिकन विंग्स जो है वो रेडी कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तो बहुत ही क्रिस्पी से भी बनेंगे। हमने ज़्यादा ओवर कोटिंग नहीं की मैदे की, जस्ट इसमें अंडा और मैदा इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्रिस्पी और सॉफ्ट और जूसी भी बनेंगे। तो बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग करने की भी हमें ज़रूरत नहीं, इसी तरह से ये क्रिस्पी भी बन जाएंगे। ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस से हमारे सॉफ्ट एंड जूसी एंड क्रिस्पी ऑल्सो चिकन विंग्स रेडी हो चुके हैं। देखें आप, कलर भी बहुत मज़ेदार सा आया है, प्यारा सा आया है, इसमें कोई हमने फूड कलर ऐड नहीं किया, ये इसका नेचुरल कलर आया है। देखें जी इसी तरह से सारे हमारे चिकन विंग्स रेडी हो चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखें जी हमारे विंग्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।